बाल झड़ना एक आम समस्या हो गई है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि बाल झड़ गए हैं और बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बालों का झड़ना बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। जैसे जैसे हमने ये ऑयल मंगा लिया, ये शैम्पू हमने लगा लिया, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि आप शैम्पू महंगा दे करके, ऑयल महंगा दे करके उसे ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता। तो घर पर आप नेचुरल तरीके से ऑयल बनाते हैं और हेयर मास्क बनाते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो आज मैं आपको एक नेचुरल घर पर वो मेड हेयर मास्क बताऊंगी, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो अपने लिए आप इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। तो करना क्या है आपको, मैंने इससे पहले सीरम शेयर किया था, तो उसी का मैं हेयर मास्क का आपको बताऊंगी। तो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे यूजफुल वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो एक लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो गाइस जी, इसमें कोई भी पैसा या कुछ भी नहीं लगता, बस मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आगे कोई भी वीडियो बनाने के लिए। तो आपको ले लेना है फ्रेश एलोवेरा। आप इसे आधे घंटे पहले पानी में डुबो करके रख दीजिए, या तो किसी सूती कपड़े से इसको साफ कर दीजिए, पोंछ लीजिए, उसके बाद ऐसे ही रहने दीजिए आधे घंटे के लिए। और उसके बाद आपको इसका जेल निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। इसमें जो हेयर मास्क मैंने बनाया है वो है मेथी दाना और कलौंजी के बीज मैंने भिगाए थे, और उसी का मैंने इससे पहले सीरम बनाया था, तो इसी का हेयर मास्क मैं बना रही हूँ। तो बहुत आसान है गाइस, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। इससे बालों की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, जैसे कि बालों में डैंड्रफ है बहुत ज़्यादा, और इचिंग होती है, और रूखापन है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आपके स्कैल्प पे होती हैं, तो वह सभी चीज़ें ठीक हो जाती है। साथ ही बाल बहुत अच्छे घने मजबूत होते हैं। थोड़ी सी इसमें मेहनत ज़रूर लगती है, हफ्ते में आपको ये पैक 2 बार लगा लेना है, और फिर बालों को अच्छे से आपको 1 घंटे के लिए रहने देना है। सबसे पहले तो सभी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके मिक्सर जार में डाल दी हैं, तो देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्सर जार में पीसूंगी। कुछ इस तरीके से आपको भी बना लेना है, इसका पेस्ट कुछ ऐसा होगा। अब आप कहेंगे कि ये थिक सा पेस्ट मेथी बालों में चिपक जाती है, तो कैसे करें, क्या करें, तो इसका उपाय मैं आपको बताती हूँ। बहुत आसान उपाय है, आपको एक पतला सा कपड़ा लेना है, कोई भी आपके पास दुपट्टा है या कुछ ऐसा कपड़ा है तो आपको वो ले लेना है। तो देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक इसलिए हो रहा है, मैंने इसमें कलौंजी डाली हुई है। तो आपको इसको इसमें छान लेना है, कुछ इस तरीके से सारा मटेरियल आपको डाल देना है। फिर आपको इस तरीके से इसका पूरा पेस्ट निकाल लेना है, धीरे धीरे इसको दबाते हुए हल्के हाथों से। जो भी पेस्ट इसमें है वो अच्छी तरीके से आप निकाल सकते हैं। धीरे धीरे आपको इसको निकालना है, और कपड़ा भी नहीं फटना चाहिए, और ये अच्छे से निकल भी जाना चाहिए। तो देख सकते हैं जो बालों में चिपक जाता है वो मैंने अलग कर दिया है, साथ ही इसको मैंने छान लिया है। इसमें आपको 4 से 5 टीस्पून डाल देनी है दही की, तो दही बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बाल सिल्की शाइनी होते हैं, डैंड्रफ नहीं होता, बहुत सारी दिक्कतें जो हमारे स्कैल्प पर होती है, बाल काले भी होते हैं साथ ही दही लगाने से, इससे बालों को बहुत अच्छा पोषण मिलता है। मैं आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ इसलिए करती हूँ, जिस दिन मैं कोई भी हेयर मास्क या हेयर पैक बनाती हूँ वो मैं लगाती हूँ, साथ ही वीडियो भी बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मेथी दाना और कलौंजी जो है बालों के लिए वरदान होती हैं, तो इस तरीके से इसको अच्छे से मिला लेना है आपको। फिर आपको अपने स्कैल्प पे अच्छी तरीके से इसको लगा लेना है, जड़ों में लगा लेना है अच्छे से, ताकि जड़ों को अच्छे से पोषण मिल सके इसका। मैं इसी तरीके से लगा रही हूँ, थोड़ा सा पतला इसका पेस्ट होता है, थोड़ा नीचे टपक सकता है, लेकिन आप कोई कपड़ा रख के या
इस तरीके से आप अपने बालों में लगा सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक बार लगा करके तो देखिए, आप एक ही बार के लगाने में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो इस तरीके से पूरे बालों में आपको अप्लाई करना है। पहले आपको जड़ों में लगा लेना है, जो बच जाता है उसे पूरे बालों में आपको जड़ों से सिरों तक लगाना है इसको, ताकि आपके बाल दो मुहे भी नहीं होंगे और बालों में बहुत अच्छा मॉइस्चर मिल जाता है। ये एक कंडीशनर का रूप हो जाता है बालों में। तो इस तरीके से आपको पूरे बालों में, स्कैल्प से लेकर के पूरे सिरों तक आपको इसको लगा लेना है। कुछ इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज कर लेना। तो गाइस, ये मैंने लगा लिया है, तो देख सकते हैं मैंने एक हेयर स्टाइल भी बना ली है। वॉश करने के बाद बहुत इजी रहे मेरे बाल, बिल्कुल भी उलझे नहीं, कुछ भी उलझन नहीं थी और आराम से मैंने अपनी चोटी कर ली। मुझे जाना था कहीं पार्टी में, तो मैं ये पार्टी के लिए तैयार हो गई हूँ। पूजा में जाना था, तो वहाँ के लिए मैंने डबल चोटी बना ली है। तो मेरी चोटी इतनी लॉन्ग होती है और बिल्कुल भी दो मुहे बाल नहीं है, कोई डैंड्रफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाल मेरे एक से दो या चार बाल तक टूटते हैं, ये नॉर्मली होता है टूटना। आई होप कि गाइज आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और भी लोगों के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।